हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हेयर बैंड बनाना सिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, के लिए मैंने ये कपड़ा ले रखा है। इसकी चौड़ाई है ऐसे 4.5 इंच और इसकी लंबाई ऐसे में 30 इंच है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसके सिलाई लगाएंगे। आप इसमें मैचिंग का धागा लगा लें तो ज्यादा सही रहेगा। मैंने इसमें मैचिंग का धागा लगा रखा है। और यहाँ आगे थोड़ा सा हम सिलाई को पक्का करेंगे, उसके बाद में हम सिलाई लगाएंगे इस पे इस तरह के तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये वेलवेट का कपड़ा है, इसे बहुत ही अच्छा बनता है। और अगर आपको वेलवेट का कपड़ा नहीं है तो दूसरे कपड़े से बना ले, लेकिन अगर आपका कपड़ा देखने में अच्छा हो तो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो उसमें फिर देखना आप, अगर आपको अच्छी लगे तो उसमें से आप कुछ भी बना सकते हैं। कॉलर है, पेंट कटिंग है, सूट की कटिंग है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने पूरे पे सिलाई लगा लिया है। और हम इसको पलट लेंगे पिन की मदद से। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम पिन को यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे और इसको ऐसे लॉक कर लेंगे। उसके बाद में इसको इसे अंदर में ऐसे डाल के इस तरह से हम इसको पलट लेंगे ऐसे। देखिए ये ऐसे पलटती जा रही है। हम जैसे जैसे इसको अंदर ले जाएंगे अपने आप इसे पलटती जाएगी ये ऐसे इस तरह से। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको इस तरह से इधर से ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर ये इस तरह से ऐसे देखिए पलट गई। देखिए, और हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें ये 7 इंच की इलास्टिक ले रखी है। अब हम इसके अंदर ऐसे डाल लेंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स, कोई इसको कर्सीज बोलता है, कोई हेयर बैंड बोलता है, कोई रबड़ बैंड बोलता है, अपना अपना तरीका है लोगों को बोलने का। तो फ्रेंड, अब इसको इस तरह से ऐसे डाल लेंगे बीच में। अगर इसमें कुछ और आपको डिजाइन लगाना मोती वगैरह तो उसको भी लगा सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो। ऐसा नहीं है कि ऐसे सिंपल ही बनाएं। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना कि इलास्टिक ये दूसरी साइड से निकलने ना पाए, इसको पकड़ कर रखना, नहीं तो ये निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, और इस तरीके से इधर से ऐसे निकाल लेना है। और हम इन दोनों को आपस में ऐसे सिल देंगे इस तरीके से, या फिर ऐसे नोट लगा सकते हो, नोट भी लगा सकते हो इस तरीके से ऐसे करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से पक्का कर सिलाई लगा लेंगे, और कई बार इसको पक्का कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से लॉक हो जाए और फिर निकले नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और इस तरीके से बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर में ऐसे डाल देंगे इसको, और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और इस पर फ्रेंड्स, इसे सुई धागे से हमें करना पड़ेगा। इसको इस तरीके से करके हल्का हल्का से इसे सुई से तुरपाई कर लेंगे, करके मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको ऐसे तुरपाई कर लेंगे। या फिर एक और तरीका है, आप इसको ऐसे उल्टा करके इस तरीके से कर लोगे तो और ज़्यादा सफाई आएगी। इस तरीके से थोड़ा लगेगा इसको, ऐसे अंदर अंदर ऐसे सिलाई लगा लोगे आप उल्टे करके, तब और अच्छे से सिलाई इस पे वो आएगी सफाई। तो फिर मैं आपको इस तरीके से ही बता रही हूँ, आपको अगर वो तरीका पसंद है वो तरीका कर लेना, इस तरीके से पसंद है तो ये तरीका कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।